मर गया राठौर, मर गया, मार डाला उसे, चाकू उठाया उसके पेट में घुसा डाला, मार डाला। मारने वाले ने ये नहीं सोचा कि राठौर भी कागज के चंद टुकड़ों के लिए काम कर रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि राठौर का एक बच्चा है, एक साल का, उसका क्या होगा। बस मार डाला। कहीं हमने इस सब में पुलिस को शामिल करके गलती तो नहीं की ना? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने हमेशा से पुलिस की हेल्प ली है और पुलिस पहले से फरीदा के पीछे है। इस सब में ऋत्विक का हाथ है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। आपको यकीन कैसे नहीं हो रहा है? आपके पिता को ऋत्विक आपसे कई अधिक जानता था। आपके पिता का आपसे अधिक ऋत्विक पर भरोसा था। फरीदा को मैंने ऋत्विक का सलाम दिया तो उसने कहा जी जरूर, फिर हड़बड़ाई। तो समझ रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? फिर भी आप कह रही हैं कि यकीन नहीं हो रहा आपको? मेरे ख्याल से अब हमें गुनहगारों को कटघरे तक लाना ही चाहिए। क्या हमारे पास इतना भी सबूत नहीं है कि हम ये कर सकें? मुश्किल है उसको सलाखों तक पहुंचाना। उसके लिए सबूत चाहिए, ठोस सबूत। केस दर्ज करना एक बात होती है, ठोस सबूत ले आना दूसरी बात होती है। नहीं तो क्या होगा, कटघरे में तो खड़ा रहेगा, गीता पर हाथ रखकर एक दो झूठ और बोलेगा, फिर आजाद हो जाएगा। ऐसा कौन सा ठोस सबूत चाहिए हमें? यही कि फरीदा ट्रेसी डिसूजा है, कुछ बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फरीदा का ऋत्विक गुंजाल से रिश्ता, कुछ तो ठोस होना चाहिए। हेलो। हाँ हेलो पटवर्धन, मैं जादव बोल रहा हूँ। हाँ जादव बोलो। एक बुरी खबर है, फरीदा भाग गई। बहुत चालाक लड़की है वो, तीन तीन ऑटो बदल के उसने पतली गली पकड़ ली। जादव, जब तुम्हारा पुलिस में रिटायरमेंट होगा तो मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आना। हेलो, क्या हुआ? भाग गई। कौन? फरीदा उस्मान बेग भाग गई। गॉड, अब क्या होगा? यही तो मौका है, उसके घर की तलाशी ले सकेंगे। जादव के आदमियों को बोलता हूँ कि मर के बंगले पर चले जाए। मैं भी जाता हूँ, सबूत मिल जाएंगे। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अगर आप जैसे दो चार क्लाइंट्स और मिल जाए तो अरुंधति जी, मेरा बहुत सारा पैसा बचेगा, मैं असिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चले जी। हेलो मुंजाल बाबू, मैं पांडे बोल रहा हूँ। अब क्यों फोन किया तुमने? माँ कसम मुंजाल बाबू, इस बार मेरे पैसे के लिए फोन नहीं किया। तो फिर किस लिए फोन किया? मुंजाल बाबू कुछ गड़बड़ हो रही है, एक आदमी जो सब जगह रजीश शर्मा के मौत के बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। क्या? उसने कई लोगों से ये पता लगाने की कोशिश की कि जिस रात रंजीत शर्मा की मौत हुई उस रात क्या क्या हुआ। मुंजाल बाबू मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आदमी मुझे ढूंढता हुआ मेरे घर तक पहुँच गया, बच गया, लेकिन मुझे लगता है मैं वापस अपने घर नहीं जा पाऊंगा। बाबू कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं ना? मुंजाल बाबू, मैं कह रहा था कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं है ना? मुंजाल बाबू, देखो पांडे, वो जो भी हो तुम्हें गलती से भी उसके सामने नहीं पड़ना है, समझे? जी जी साहब। और अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए
तो तुम्हारी जुबान फिसलनी नहीं चाहिए। जी जी नहीं लाल बाबू। हेलो, पास से पांडे से बात करा देंगे। कौन वो वॉचमैन? हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, उस आदमी ने कौन सा नंबर छोड़ा था तुम्हारे पास? अरे नमस्ते मंजाल बाबू, एक मिनट। हाँ एक मिनट जरा। हाँ 4871326। फरीदा मेम साहब को फोन दो। साहब मेम साहब तो अभी तक नहीं आई। क्या? अभी तक नहीं पहुंची साहब। अभी तक महाबलेश्वर नहीं पहुंचे? अच्छा सुनो, जैसे ही वहां पहुंचे उनसे कहना कि मुझसे मोबाइल पे बात करें तुरंत। जी बहुत अच्छा। ओके सब कुछ हो गई, ये फाइल नहीं छूट गई। मैंने अभी बेडरूम की लाइट ऑफ होते हुए थी, क्या आपने देखी?
इट्स ओके। एक मिनट, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है। ऋत्विक कहाँ हो तुम? पास रहके जो दूर गया, दूर रहके करीब आएगा। जन्मों जन्मों का नाता है ये, वो तुमसे बच के कहाँ जाएगा? बहुत पहुंची हुई चीज है जनाब। अच्छे हैं बुरे हैं हम, कुछ काम के तो हैं, इश्क में मगर हम बदनाम भी तो हैं। बहुत रोमांटिक मूड में हो, क्या रूबरू आने की उम्मीद की जा? पटवर्धन के हाथ से तब तक ऊपर जाता हूं। चलना होगा। हमें कुछ भी तो नहीं मिला है।
ऐसा क्रिमिनल हमारे लिए सबूत यहाँ पर मेज पर छोड़कर जाएगा, प्लेट पर सजा कर जाएगा, ऐसा होता है? We'll have to work hard. आपको नहीं लगता हमें पुलिस को यहाँ लाकर उनके प्रेजेंस में एक खोलना चाहिए? चलिए मिस्टर पटवर्धन, कोई आ जाएगा. Let's go. Yeah, चलिए. When I'll come back, you'll be happy. Come, come, come. रोजी माँ, मैं जा रही हूँ. कहाँ जा रही हो तुम? ऋत्विक से मिलने. उसने कहा था कि वो मुझे फोन करेगा, लेकिन उसने फोन नहीं किया. उसका मोबाइल भी ऑफ है. बेटा किसी काम में बिजी होगा वो. नहीं रोजी माँ, वो ऐसा कभी नहीं करता. जब भी वो बिजी भी होता है तभी मुझे वो फोन करता है. अच्छा मैं चलती हूँ. ओके बहुत रात होगी, अकेले जाना ठीक नहीं. फिर कहाँ जाओगी? रोजी माँ मैं उसे ढूंढ लूंगी. नंदिता बेटा ये गोवा नहीं है. रोजी माँ मैं जानती हूँ मैं शहर में नहीं नहीं हूँ. ऋत्विक आया होगा. दास तुम इस वक्त? गुड इवनिंग मैडम. आई एम सॉरी मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया. इट्स ओके दास, कम इनसाइड. कम इन. बैठो. इट्स ओके. ठीक है दास, बैठ जाओ. बैठो. हाँ बोलो. जी वो बोलो दास. ऋत्विक मुंजाल के. ऋत्विक क्या हुआ? ऋत्विक को कहाँ है वो?